हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोग सभी जानते हैं कि मैं कौन हूँ। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं हूँ सोनाली सिंह। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपने बालों से रिलेटेड एक और मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। आप लोग पूछते हो ना कि मेरे बालों का कलर क्या है, तो मैंने कोई भी ब्लीच नहीं किया, कोई भी हाईलाइटर नहीं यूज़ किया अपने बालों पर। नेचुरल कलर है वो, बिल्कुल नेचुरल नहीं है। हाँ, मैंने कुछ नेचुरल प्रोडक्ट यूज। सो बेसिकली ये नेचुरल कलर मुझे मिला है हिना से। हिना में मैं बर्गंडी कलर यूज़ करती हूँ। जब मैं 9th क्लास में थी तभी से मैंने अपने बालों पे कलर करना स्टार्ट कर दिया था। स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, लाइक मंथ में 4 times। फिर मैंने जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैंने उसे कम कर दिया, लाइक मंथ में 2 times यूज़ करने लगी। अभी जो ड्यूरेशन है वो ये हो जाता है कि कभी मंथ में 1 बार यूज़ कर लिया या फिर 2 months में 1 बार यूज़ कर लिया। लेकिन हाँ, अभी मैंने स्टॉप नहीं किया, अभी मैं यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो हिना बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन हर किसी का अपना अलग अलग मेथड होता है हिना को क्रिएट करने का, उसका पेस्ट बनाने का। तो आज मैं आपके साथ अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है हिना को यूज़ करने का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों का कलर मेरी तरह हो जाए, जैसे मेरा कलर है, तो प्लीज़ ये वीडियो फुल तक देखें और इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। सो लेट बिगिन द वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कॉमेंट करना ना भूलें। हिना का सबसे इम्पॉर्टेंट सीक्रेट ये होता है कि आप उसे तैयार किस तरीके से करते हैं। तैयार अगर अच्छे से करेंगे तो आपके बालों को अच्छा कलर देगी, साथ में हेल्दी न्यूट्रिएंट्स भी देगी। तो पर्सनली जिस तरीके से मैं तैयार करती हूँ उस तरीके का मैं आपको शेयर कर रही हूँ तरीके को। एंड पहले मैंने यहाँ पर देख रहे हैं आप, बर्तन में मैंने पानी लिया है, ये 1 cup पानी है। एंड उस पर फिर मैं ऐड करूँगी अपनी लिप्टन ग्रीन टी जो कि मैं पीती हूँ। अगर आपके घर में लूज़ ग्रीन टी है तो आप 1 चम्मच वो ऐड कर दो। अब मैंने बैग को इसमें छोड़ दिया है ताकि ये थोड़ी देर तक बॉईल होगा और जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो वाटर में मिक्स हो जाएंगे। तब मैंने लिया है ये हिना नेहा ब्रांड से जो कि मैं यूज़ करती हूँ, और इसका जो कलर है वो है बर्गंडी कलर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो पानी है वो बॉयल हो चुका है पूरा। अब हम इसे 1 cup में, बाउल में या फिर 1 glass में छान लेंगे। छानने के बाद इसे 1 minute तक रखेंगे। बहुत ज़्यादा उबला हुआ नहीं चाहिए हमें, हल्का हल्का गुनगुना टाइप चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है एग। एग को तोड़ने के बाद उसका जो बीच का योक है वो मैं निकाल दूँगी, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, वो इफ़ेक्ट नहीं करता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हिना। हिना को ऐड करने के बाद मिक्स करते जाएंगे। एंड फिर जब ये हल्का हल्का मिक्स हो जाएगा उसमें हम ऐड करेंगे पानी अपनी लेंथ और थिकनेस के अकॉर्डिंग, जितने हमारे बालों की लेंथ और थिकनेस है। एंड पतला गाढ़ा आप जैसा लगाना चाहते हैं वैसा आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए वरना वो एक जगह ही चिपक जाएगा आपके बालों में, और पूरी क्वांटिटी में होगा भी नहीं, और बहुत ज़्यादा पतला भी ना करें। आप देख रहे हैं इस तरीके का आपको पेस्ट बनाना है, गांठ नहीं है बिल्कुल। अब हम इसे 2 घंटे के लिए ढक के रख देंगे ताकि सेट हो जाए। हमारी हिना रेडी हो चुकी है। अब हम इसे अपने बालों पर धीरे धीरे छोटा छोटा पार्टीशन करके अपने बालों पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अपने बालों को आपको एक मिड स्लीक में डिवाइड करना है, इक्वल पार्टीशन करना है अपने बालों का इस तरीके से। अब हमने डिवाइड कर लिया है एंड अब हमें थोड़े थोड़े बाल लेके इस तरीके से अप्लाई करना है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है अप्लाई करने में तो आप यहाँ पे क्लचर भी यूज़ कर सकते हैं छोटे छोटे, जिसे आप अपने बालों को टक कर सको। और अगर आपने लाइट क्लोथ वियर कर रखा है तो प्लीज़ किसी भी डार्क या काले कपड़े से अपने आपको ढक लें ताकि मेहंदी उसके ऊपर गिरे, आपके कपड़े ना खराब हो। मैंने यहाँ पर ब्लैक जॉर्जेट कपड़ा पहना है तो इस पर कोई दाग नहीं लगने वाला और आसानी से मेहंदी छूट भी जाएगी। अप्लाई करने के बाद आपको कम से कम 5 से 6 घंटे तक ऐसे ही रखना है। हो सके तो आप नाइट में अप्लाई करो सोने से पहले, और पूरी रात तक उसे ऐसे ही रखना। मैंने कई टाइम ऐसे किया है कि मैं नाइट में अप्लाई करके एंड एक जो वेजिटेबल्स पॉलीथीन होती है उसको पहन के रात में सो जाती हूँ, और उसके बाद मॉर्निंग में अपना हेड वॉश करती हूँ। तो उससे क्या है कि ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं आपके बालों को, और जो आपका कलर होता है वो ज़्यादा दिनों तक टिकता है। एंड अब मैं बताती हूँ कि मेरे से हुई है एक गलती जिसके लिए अब मैं बहुत ही परेशान हूँ, क्योंकि इसका अभी मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और ये है ये कि
कि अब ये कलर मेरे हाथों से जल्दी से छूटने वाला नहीं है और मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि पहले मुझे ग्लव्स वेयर करनी चाहिए थी, उसके बाद मुझे अपने बालों पे हिना अप्लाई करनी थी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी ये गलती ना करें, पहले अपने हाथों पे ग्लव्स वेयर करें उसके बाद अपने बालों पे हिना अप्लाई करें। और अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है ना, तो अपने हाथों पे वेजिटेबल्स पॉलीथीन वेयर कर लें, वो भी एज अ ग्लव्स ही वर्क करेंगे, उसके बाद अपने बालों पे हिना अप्लाई कर लें। सो गाइस, 5 घंटे रखने के बाद जब मेहंदी पूरी तरीके से सूख गई थी तो मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है और आप देख रहे हैं कि इस तरीके का कुछ कलर मुझे मिला है। इट्स लुक लाइक कि मैंने हाइलाइटर करवाया हुआ है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड वन थिंग कि मैं आपको बताना भूल गई कि जब भी आप हिना अप्लाई करते हो अपने बालों पर, तो आपके बालों में किसी तरीके का ऑयल, धूल, मिट्टी नहीं होना चाहिए। सो जब भी आप अपने बालों पे हिना अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश करें कि एक दिन पहले अपना हेड वॉश कर लें, या फिर आप मॉर्निंग में वॉश करके इवनिंग में मेहंदी अप्लाई कर सकते हैं। और आप चाहें तो उसे पूरी रात रख सकते हैं। आप एक वेजिटेबल जो पॉलीबैग्स आता है वो वेयर कर लें, या फिर एक पॉलीथीन के मास्क आते हैं हेड के लिए कवर करने के लिए, आप वो भी वेयर कर सकते हो। इससे क्या है, आपके बिस्तर खराब नहीं होगा, बेडशीट आपकी खराब नहीं होगी और मेहंदी आपके बालों में अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब हो जाएगी, उसको एक नेचुरल कलर मिलेगा। सो आप भी अगर अपने बालों का इस तरीके का कलर चाहते हैं तो आपको सेम ही प्रोसेस फॉलो करना है, अपनी हेयर के केयर में हिना को इन्वॉल्व करना है। अकॉर्डिंग टू हिना एक्सपर्ट, हमारे बालों पे 1 महीने में 3 टाइम हिना अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट करना ना भूलें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।